हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। और ये रही शबरी एंड इसको अपने मोरबे के राइड के समय देख लिया होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गार्डन होटल इधर से, फिर आगे हम लोग जाएंगे लोनावला साइड में। तो लेट्स सी, और आपको बताते रहूँगा कैसे जा रहे, कहाँ जा रहे और परमिशन है या नहीं है जाने के लिए उधर। तो मिलते हैं रास्ते में, सब कुछ समझ में आता है। और अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो निकलते हैं। अभी पहले देर हो चुका है। शबरी बाय, चलो। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं गार्डन होटल के पास, और उधर से फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो उधर से और लोग आ रहे हैं, उधर से हम लोग जाएंगे फिर लोनावला। फिर मेरा आवाज़ कैसे आ रहा है बता दीजिए। अभी थोड़ा मैं ज़्यादा जोर से बात करने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट वाले राइड में मेरा आवाज़ बहुत कम आ रहा था। नाम क्या आपका? सुमेश। सूरज। मैं निखिल। आपका? गोपू। निखिल। पहले हम लोग दो थे, अभी चार हो चुके हैं। सॉरी, पांच भी कर रहा था, चार हो चुके हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं लोनावला। लोनावला कहाँ पे वो देख लीजिए, और कौन से पॉइंट पे वो भी देख लीजिए, थोड़ा ब्लॉग एंड तक देख लीजिए। और आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। थोड़ा अंधेरा है मॉर्निंग से, तो देखते क्लाइमेट कैसा है, क्या चेंजेस होते हैं, क्या है, और बताते रहूँगा आपको। कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 75 to 80। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं टक्का। ये पनवेल जब हम लोग छोड़ते हैं तो यहाँ पे टक्का करके एक लास्ट स्टॉप है पनवेल का, जो उसके आगे प्लस किया हो गया चालू हो जाता है। तो गाइस फ्यूल ब्रेक के लिए रुके हैं, और भाई लोग लाइट्स बहुत अच्छा है, यूजफुल है और अच्छा। हाँ, 500 अच्छा है ना, वो दीवार तक जाता है, रात को तो बहुत जाता है। रेंज 100 मीटर का है। हाँ, दुकान में से कारगर में एक दुकान है, उधर से इतना खुश है ना, क्योंकि लोनावला का ब्लॉग बना के मेरे को कितना हो गया था, ब्लॉग बना के मेरे को 1 साल हो गया ब्लॉग बना के। तो ट्रक सभी है मॉर्निंग में, और ये माथेरान हिल से, तो ये अभी बैक से मैं हूँ माथेरान हिल से, तो इधर माची करके बोलते हैं, तो उधर मैं वाटरफॉल पे गया था माची करके। तो अपने प्रबल माची वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, और बहुत ही अच्छे सीन है, तो मज़ा भी बहुत आया था। तो भाई यहाँ पे ये एरोप्लेन है, इधर एक बार मेरे को आके शूट करने का है एरोप्लेन के साथ में, तो वो भी देखेंगे। तो भाई यू कैन सी ब्यूटीफुल क्लाइमेट फ्रॉम खपोली, अभी हम लोग खपोली पहुँचने वाले हैं, और बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है। तो मैं अभी कैमरा चालू कर रहा था, तभी एक सीन क्या हो गया, अचानक से स्पीड ब्रेकर आ गया, मेरे को दिखाई नहीं दिया स्पीड ब्रेकर, इसलिए कैमरा को स्क्रीन में देख रहा था, और मैं उसके ऊपर से ऐसे उड़ गया, टाइम हो गया पूरा। तो गाइस एक शॉट फॉल किया था, और वाह ये पक्का कौन से लोकेशन पे जा रहे क्या? उत्सन। ऐसी गलती आप मत कीजिए, जैसे आप ये सामने स्पीड ब्रेकर देख रहे हैं ना, इससे भी ऊंचा था और छोटा था, ये कैसे लंबा तो है, इसमें कोई टेंशन नहीं रहता, लेकिन जो छोटा वाला रहता है ना, खट करके बैठ जाता है एक स्पीड ब्रेकर। जी साहब का ड्राइंग देख लीजिए, ऐसे लोनावला का घाट चालू हो जाता है, एकदम ही बैठते हैं।
मंदिर है, जमी भी एयर रोड चाहता हूँ ये मंदिर के पाया देर पड़ता हूँ। इधर लगा फोटो खींचते। तो गाइस एक छोटा सा हॉल्ट लिया है, पीछे देख सकते हैं लोनावला और बहुत ही अच्छे हैं। मेरा लेग गार्ड हो गया लूज, इसको भी टाइट करने के। हाँ जी, हमारा फर्स्ट हॉल्ट था और अभी मैं फोटो खींचने के लिए रोड की ये साइड आया हूँ, तो खींचता हूँ एक फोटो। अच्छा देख सकते हैं गाइस, वहाँ पे पूरा फॉग है, एकदम अच्छा दिख रहा है फॉग, तो पूरा खपोली है नीचे। इधर थोड़ा देर रुकेंगे और फिर मिलते हैं बाइक के ऊपर। ऊपर से जाता है ये एक्सप्रेस हाईवे और बाजू से जा रहे हम लोग। रियल राइडिंग हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इंजन के साथ सामान लेके गाँव जाना है रियल राइडिंग। और मुझे कमेंट करो कभी कोई अपने बाइक के ऊपर से गाँव गए क्या। वाह क्या खेत है यार, खेत है क्या बोलेंगे इसको, खेत नहीं बोल सकते, क्या मस्त दिख रहा है एकदम, फुल वाइट लग रहा है एकदम और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। महाबलेश्वर वाले ब्लॉग में देखा होगा मेरे, तो ये टू टेक अ लेफ्ट फ्रॉम हियर, वैसे मुझे मालूम नहीं था यहाँ से लेफ्ट लेने का, तो मुझे देखना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर है रेलवे ट्रैक, तो गाइस वी आर एट उक्सन लेक, तो आप पीछे लेक देख सकते हैं और कुछ फ्रेंड्स हैं नए, तो इंट्रोड्यूस करता हूँ। गोकू कुमार, तो आपका नाम? सूरज। सूरज, यस यस सूरज। और शबरी अपना मोरबे पार्टनर, तो तो हम लोग अभी आए हैं उक्सन लेक, तो इधर से आगे क्या प्लान है फिर देखते हैं। एक वाटरफॉल जैसा कोई एरिया है यहाँ पे, वहाँ जाएंगे मोस्टली पानी देगा तो। हाँ वो देखते कितना दूर है उसके हिसाब से, इट इज वर्थ विजिटिंग पर जाएंगे। ठीक है, आसपास और दो तीन चीज है देखते, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे एरिया, मस्त अपने पास टाइम है अभी। नया कंटेंट आने वाला है और अभी टाइम हो रहा है 9:04, तो जल्दी नहीं पहुँचे, थोड़े धीरे धीरे पहुँचे, लेकिन रोड भी मुझे आइडिया नहीं था, सारा क्रेडिट इन दोनों को जाता है, तो और शबरी को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि शबरी के पीछे मैं चला था और मैं देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं, और थोड़ा टाइम लैप्स ही लूंगा। लेक में हवा आ रहा है लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ऐसे आगे आ रहा है, टाइम लैप्स ही लेके भी फोटो ही लगेगा वो, तो देखते हैं। थोड़ी देर बाद मिलते हैं, कुछ तो खाते हैं।
सो गाइस वी ऑल आर डूइंग लाइन अप फॉर द फोटो शूट एंड बाइक देख सकते हैं। तो गाइस पसीना देख सकते हैं, धूप बहुत बढ़ चुका है और मेरा ब्लॉग आ चुका है तो देख लीजिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं इधर से आगे। तो गाइस ये एक डैम है और उधर उसका गेट है वो साइड में, तो पानी आप देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है, पूरा पैर तक इधर तक पानी आया है और खाली इतनी जगह बाकी है। तो इधर बाइक है हमारी और ये लाइट्स का वीडियो अभी 10 बजे आने वाला है, तो देखिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए। एंड बहुत ही अच्छा लोकेशन है और ये बाइक्स, इस बाइक डाली है पानी में थोड़ी सी फोटोशूट के लिए और देखते हैं अभी क्या सीन है आगे किधर, तो जाके रुकते हैं, बहुत धूप है बहुत ही ज़्यादा है और देखते हैं अभी क्या सीन है। गाइस मैं जो डैम की बात कर रहा था वो ये डैम है, तो पानी भी थोड़ा चालू है और आप डैम देख सकते हैं अच्छा है। तो एक लाइक मार दीजिए अगर आपको डैम अच्छा लगा होगा तो। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक वाटरफॉल पे, तो मिलते हैं आगे। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एक डैम पे, तो मैं जो बोल रहा था डैम का गेट, तो ये है ये डैम है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक वाटरफॉल पे, तो देखते हैं वहाँ पे कैसे है सिचुएशन और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा प्लास्टिक टाइप की है बाइक पे, सामान है और बारिश आ रही है।